नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी। चैलेंज न्यूज 24 में आपका स्वागत है और आइए रुख करेंगे आज की खबरों की ओर। विधायक टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाने के अंतर्गत ग्राम चरी में पुरानी रंजिश को लेकर कल्लू अहिरवार की गोली मारकर की हत्या। ग्राम पंचायत चरी में अज्ञात कारणों के चलते कल्लू अहिरवार की जिला बदल आरोपी पप्पू यादव ने किया मर्डर, साथ में दो लोग और शामिल। मृतक के भाई का कहना है कि दिन में आकर कई बार जान से मारने की धमकियां दी और रात को करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच कल्लू अहिरवार को गोली मारकर खत्म कर दिया, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी दो आरोपी फरार चल रहे हैं। पप्पू यादव भी पुलिस की पहुंच से दूर है। कल्लू अहिरवार के भाई ने पप्पू यादव के ऊपर बड़े नेताओं का हाथ बताया है। पलेरा से प्रमोद झा की रिपोर्ट। मोहन, कहाँ के रहने वाले हो? चरी के। अच्छा जी, घटना क्या हो गई? घटना, मेरे बड़े भाई को गोली मार दी पप्पू यादव ने, तो सिर में तो जो है जान से खत्म कर दिया। अच्छा, आज से दो तीन साल पहले उनका झगड़ा हुआ था, जब भी गोली मारी थी एक हिस्सा जल भी गया था, गाँव वालों को सबको पता है। फिर वो जेल भी चला गया था साहब, तो श्रीमान जी जो राहुल साहब जो MLA हैं, कौन है अपने टीकमगढ़ के, उन्होंने ये कहा था पिरगू सरपंच यादव से, उन्हीं का पिताजी हैं पप्पू यादव के पिताजी से, कि 12 बजे निकलेगा, तो 12 बजे इन्होंने निकलवाया था। 2 महीने टिक नहीं पाए जी, उन्होंने गोली मार के मेरा भाई कल खत्म कर दिया। अच्छा, तो राहुल सिंह ने बोला था कि हम जमानत करवाएंगे। हाँ, जमानत करवाएंगे, वो 12 बजे छुटवा के दिखाएंगे, 12 बजे छूटा था साहब। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि पप्पू यादव ने मारा? गाँव में जब मैं बाहर से आया दिल्ली से, तो सारे गाँव ने बताया साहब कि मान लो इस जिम्मेदारी पे छूटा जो MLA साहब हैं राहुल जी, उन्होंने ये कहा कि 12 बजे निकलेगा तो निकलेगा, तो 12 बजे निकाला था वो गवर्नमेंट ने। अच्छा, आपको जी कैसे पता चला कि पप्पू यादव ने मारा है? ऐसे पता चला साहब कि इन्हें अभी 2 साल पहले हमारा जो पुराना मकान गांव में है, तो गाँव वालों के सामने ही मारी थी गोली, और 6 महीने बाद फिर दोबारा मार, तीसरी बार मारा जी, तीसरी बार गोली मारी। हाँ, जिस टाइम इनका पहले झगड़ा हुआ था उस टाइम ये 4 बंदे थे, बिहारी, पुंटी और गोकल आदिवासी और पप्पू यादव, इन्होंने सबसे पहले कांड शुरू करा था जी, वही पंडे अब तक पीछे ही लगे रहे जी। अभी कितने लोगों ने मिलकर मारा? अभी तो हमें सिर्फ पप्पू का पूरा है, क्योंकि वो जिला से बाहर है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे छुटवा रखा जी, तो गांव में डेली घूम रहा था, तो रात में तो इधर उधर भग जाए, घर में वो सोता नहीं, ये भी पता है घर में नहीं सोता, अपने इधर उधर सोता है, उसी का ही काम है जी।